हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन टू आवर विद्या विहार फैमिली। सो वी आर बैक अगेन विद द सेकंड लेक्चर ऑफ द डे, दैट इज बेस्ड ऑन द हिंदू एडिटोरियल वोकैब। इससे पहले आप लोगों का करंट अफेयर्स आ चुका है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, और इसके ठीक बाद आएगा आपका डेली करंट अफेयर्स। हो तो सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सेलिब्रेट करें इंडिपेंडेंस डे को, बट सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, मास्क का यूज करते हुए। चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डे, तो आज है हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला आप लोगों को कि 1947 में बस हमारा देश आज़ाद हुआ था, और ये 74th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। अब इसका पूरा डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, हम लोग कैसे इंडिपेंडेंट देश बने। चलते हैं हमारे रेगुलर लेक्चर की ओर, जो कि वर्ड डिस्कशन। तो पहला वर्ड जो है वो है फर्वेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है उत्साही, जोश से भरा हुआ, हैविंग ए पैशनेट इंटेंसिटी जिसको आप बोलते हो। ये देख सकते हो इसमें कितना ज्यादा हाई इंटेंसिटी है, कितना उत्साह से ये भरा हुआ बंदा लग दिख रहा है आपको। इट इज हिज फर्वेंट होप दैट अ पीसफुल सॉल्यूशन विल सून बी फाउंड, या उसका जोश से भरा हुआ आशा है कि जल्द ही पीसफुल सॉल्यूशन खोज लिया जाएगा। ही वॉज ए फर्वेंट फुटबॉल सपोर्टर ऑफ द NFL। वह बहुत ही उत्साही फुटबॉल का सपोर्टर है NFL का। इसका सिनोनिम्स देखते हैं। फर्वेंट का सिनोनिम्स एंथुसियास्टिक, पैशनेट, आर्डेंट। एंटोनिम्स देखेंगे एपैथेटिक, इनडिफरेंट, अनएंथुसियास्टिक, यानी कि जिसमें उत्साह नहीं हो, जो जोश से भरा हुआ नहीं हो। सिविल सर्वेंट बनने के लिए इंसान के अंदर पॉजिटिव फर्वेंट होना जरूरी है। अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको उत्साही रहना चाहिए, आपको जोश से भरा हुआ रहना चाहिए। चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा स्क्यू। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है सडनली चेंज डायरेक्शन और पोजीशन, यानी अचानक से अपना पोजीशन चेंज कर लेना, डायरेक्शन चेंज कर लेना, जिसको बोलते हैं झुकना या फिर हटना। ये पिक्चर देख सकते हैं, ये सीधा दिख रहा है, और ये हो गया हमारा स्क्यू। इसी को बोलते हैं स्क्यू, क्योंकि ये झुक गया। दे वेर एक्यूज्ड ऑफ स्क्यूइंग द फैक्ट्स टू फिट देयर थ्योरी। उन लोगों पे ये आरोप लगा है कि उन लोगों ने अपने थ्योरी को फिट करने के लिए फैक्ट को ही हटा दिया, झुका दिया। टुडेज इलेक्शन विल स्क्यू द रिजल्ट्स इन फेवर ऑफ द बीजेपी, यानी कि आज का इलेक्शन रिजल्ट को, परिणाम को झुका देगा बीजेपी के फेवर में। डिस्टॉर्ट, इंक्लाइंड, बैंड, ये तीनों हो गया आपका सिनोनिम्स। तीनों का मतलब होता है झुकाना। एंटोनिम्स मतलब मेंटेन, स्टैंड एंड मर्ज, मतलब कि सीधा खड़े रहना, झुकना नहीं। भारत सरकार न्यू हिज कैपेबिलिटी, यानी भारत सरकार को अपनी कैपेबिलिटी पता है। सो ये नामुमकिन है कि आज के टाइम में कोई देश भारत को स्क्यू कर सके, भारत को झुका सके, भारत को अपने रास्ते से हटा सके। चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा इनट्रांसिजेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है रेफ्यूजिंग टू एग्री और कॉम्प्रोमाइज, यानी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो तैयार ना हो, समझौता करने के लिए जो तैयार ना हो, किसी बात को कोई मानने के लिए तैयार ना हो, जिसको बोलते हैं कट्टरपंथी या फिर हठी पर्सन। नो एंड दैट इज फाइनल, ये है इंटांसिजेंट। इसने एक बार नो बोल दिया तो उसका मतलब हो गया वो फाइनल है, उसे अपने रास्ते से फिर हटाया नहीं जा सकता, उसे अपने बात को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेट अस नॉट फॉरगेट दैट जैपनीज आर एन इंटांसिजेंट पीपल, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जैपनीज लोग काफी हठी लोग होते हैं। Owing to their intransigent attitude, we were unable to reach an agreement. या जानते हुए कि उसका attitude काफी हटी है, हम लोग कोई भी समझौते के आसपास नहीं पहुंच सके। Synonyms देखते हैं uncompromising, stubborn, flexible, मतलब जिद्दी, जो झुके नहीं, inflexible। Antonyms देखेंगे flexible, जो झुक सकता है, soft, willing, जो चाहे। ये सब हो जाता है मेरा कट्टर का, हठी का ठीक उल्टा। कैबिनेट के मेंबर्स के इंट्रांसिजेंट नेचर के कारण पब्लिक के ना चाहते हुए भी बिल को पास करा लिया गया, यानी कैबिनेट के हठी नेचर के कारण पब्लिक का उस पर सपोर्ट नहीं था उस बिल पे, फिर भी कैबिनेट ने उसे पास करा लिया। चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की ओर, जो कि है हमारा डिलिनिएट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है टू ट्रेस द आउटलाइन ऑफ, यानी कि किसी चीज का आउटलाइन खींचना, चित्रित करना, वर्णन करना। जैसे ये देख सकते हैं टीचर एक मैप का वर्णन कर रहा है, तो ये हो गया हमारा डिलिनिएट। द टीचर डिलिनिएटेड चाइना ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ कलर्ड चॉक, टीचर ने चाइना को चित्रित किया ब्लैक बोर्ड पे, वो भी कलर चॉक के साथ। इन हिज स्पीच ही डिलिनिएटेड द कंट्री प्लान विद ग्रेट केयर, उसने अपने स्पीच में, उसने अपने भाषण में
पूरे प्लान को काफी अच्छे से काफी ध्यान पूर्वक चित्रित किया। डिस्क्राइब डिफाइंड एपिक मतलब बतलाना, ये हो गया सिनोनिम्स। एंटोनिम से कंफ्यूज डिस्टॉर्ट रैप यानी कि ये हो गया आपका एंटोनिम्स। उसने अपने स्पीच में फ्रीडम स्ट्रगल को डेलिनिएट किया और फिर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, जैसे भी इंडिपेंडेंस डे है तो उसने अपने स्पीच में बताया कि कैसे हमने स्ट्रगल किया है, कैसे हमने अपनी आजादी पाई है, उसको चित्रित किया और बाद में फिर इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेट किया फ्लैग होस्टिंग करके। चलते हैं आज के लास्ट वर्ड की ओर। और हाँ, यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म नहीं होता, इसके बाद हमारा आता है मैच द फॉलोइंग। इंडोर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है टू अप्रूव सपोर्ट समर्थन करना। जैसे ये देख सकते हो सब लोगों ने थम्स अप दे दिया यानी कि ऑल ओके। आई फुली इंडोर्स द मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव सेफ्टी स्टैंडर्ड। मैं पूर्ण तरीके से उस मेजर का समर्थन करता हूँ, उस स्टेप का समर्थन करता हूँ जो कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने के लिए लिया गया। माइकल जैक्सन यूज टू इंडोर्स पेप्सी इन अ नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। माइकल जैक्सन पेप्सी का समर्थन करते हुए देखे जाते थे काफी सारे एडवर्टाइजमेंट में। सिनोनिम्स देखेंगे अप्रूव एडवोकेट फेवर। एंटोनिम्स देखेंगे डिसएग्री इनवैलिडेट क्रिटिसाइज यानी कि ये सारा हो गया समर्थन ना देना। सीओ को इन्फोर्स करने के बाद भी बहुत लोगों ने उसे इंडोर्स नहीं किया और अपने पक्ष रखते रहे, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गवर्नमेंट ने तो इन्फोर्स कर दिया, लागू कर दिया। इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना, बट लोगों ने उसे इंडोर्स नहीं किया, लोगों ने उसे समर्थन अपना नहीं दिया। ये था हमारा वर्ड डिस्कशन। तो आई होप कि आपको लेक्चर यहाँ तक पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अब चलिए मैच द फॉलोइंग में चलते हैं। ये होता है हमारा कल का वर्ड, यानी कल हम लोग जिस वर्ड को डिस्कस किए होते हैं उसी का एक और रिवीजन होता है यहाँ। तो सबसे पहला वर्ड एडवर्सिटी, जिसका मतलब होता है दुर्भाग्य। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? मिसफॉर्च्यून। रिकॉन्साइल सामंजस्य बैठाना, मैंने कल भी बोला था सामंजस्य बैठाना, तो इसका मतलब क्या हो गया? हार्मोनाइज। आफ्टर मैथ मतलब दुष्परिणाम, किसी भी काम को करने के बाद जो उसका परिणाम आए, खराब परिणाम आए, उसको बोलते हैं दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस। पैरामाउंट मतलब आला दर्जे का, सबसे बड़ा आला दर्जे का अधिकारी आप बोलते हो ना, वही हो गया पैरामाउंट मतलब एमिनेंट। डेस्टिट्यूट मतलब निसहाय, जिसके पास कुछ नहीं हो, अभावग्रस्त जिसको बोल सकते हो, अभावग्रस्त। ये हो गया आपका बैंकरप्ट। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। इसके ठीक बाद 9 बजे के अंदर आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स शो का लेक्चर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं उस लेक्चर में। अगर अच्छा लग रहा हो हमारा लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी इसको शेयर करें। बाय बाय, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।